नव भारत विकास महिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान की अनूठी पहल निरंतर प्रगतिशील। खड़ागो में ब्यूटी पार्लर कोर्स प्रशिक्षित बालिकाओं को किए गए प्रमाण पत्र वितरित। विधायक धाकड़ एवं एनआईडीएस प्रमुख एमडी वर्मा की रही विशेष उपस्थिति। कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं ने कहा, एनआईडीएस से सहारा प्राप्त कर हम हो रहे हैं आत्मनिर्भर। हर महिला के लिए यह पहल है रोजगार का माध्यम। कहते हैं कि पृथ्वी की सभी पीढ़ियों में महिला ही एक ऐसी पीढ़ी है जिसमें शक्ति भी है और सहन शक्ति भी। एक महिला बचपन से लगाकर वृद्धा अवस्था तक अपनों की देखभाल और अपनों का ख्याल रखने में व्यस्त रहती है। खुद से ज्यादा अपनों के सपनों को पूरा करने में लगी रहती है। जीवन भर की व्यस्ततम कार्यशैली में वह कहीं ना कहीं अपने कौशल में वृद्धि करने में पीछे रहकर आत्मनिर्भर नहीं बन पाती है। इस कारण कई बार महिला का कौशल विकास नहीं होने पर कठिन परिस्थितियों में वह अकेली रह जाती है। वर्तमान दौर की बात करें तो महिला हर क्षेत्र में उन्नत होने में रुचि रखती है। प्रतिभावान होने के बावजूद भी कई ऐसी परिस्थितियां एवं गंभीर कारण होते हैं या फिर एक मौका उन्हें नहीं मिल पाता है। उन्हीं महिलाओं के लिए व उन्हीं बालिकाओं के लिए, उन्हीं बहनों के लिए एनआईडीएस एक आशा की किरण या कहे एक सहारा बनकर उभर रही है, जो कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर है। विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण के द्वारा नव भारत विकास महिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं को सुलभ सुविधाओं के साथ कौशल प्रदान कर उनके लिए रोजगार का एक माध्यम बन रही है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। निरंतर प्रगतिशील होते हुए आज लगभग हजारों महिलाओं के लिए यह पहल सहारा बनकर उन्हें आत्मनिर्भर बना चुकी है और इसका पूरा श्रेय जाता है एनआईडीएस न्यू इंडियन डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रमुख संचालक दूलीचंद वर्मा डीसी वर्मा को, जिन्होंने इस पहल की शुरुआत की और भारत के अलग अलग राज्यों जिनमें जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान में महिलाओं के लिए एक अनूठा प्रयास उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर किया है। एनआईडीएस संचालक डीसी वर्मा ने बताया कि मेरी इस पहल का पूरा श्रेय मैं अपनी माता श्री को देता हूँ। उन्हीं से प्रेरणा लेकर 2018 में मैंने यह पहल शुरू की और आज कई माताएं एवं बहनों का मुझे साथ मिल रहा है और उन्हें रोजगार। लक्ष्मी पांचाल संवाददाता संस्कार गरुड़ से, और आज संस्कार दर्शन की टीम जो है गरुड़ तहसील के गांव खड़ावदा में पहुंची है, जहां पर एक कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया था खासकर विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, जो कि एनआईडीएस के तहत किया गया था। और आज इसी कार्यक्रम के तहत जो एनआईडीएस के संचालक हैं, एमडी हैं वर्मा जी सर, डीसी वर्मा जी सर, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महिलाओं की प्रतिभा को निखारने का एक अनूठा प्रयास किया है। उन सभी महिलाओं को जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर हुनर है, लेकिन उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जिसके तहत वो अपनी प्रतिभा को निखार सके, उन सभी को आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा इन सर ने लिया है, जिनका नाम है डीसी वर्मा सर। प्रतिभा होती सभी में है, बस प्रतिभा को पहचानने वाला चाहिए और साथ ही साथ तरक्की को प्राप्त करने के लिए सलाह तो सभी देते हैं, लेकिन हाथ पकड़ कर तरक्की की राह पर चलाने वाला चाहिए। और आज इन्हीं पंक्तियों को और निखारते हुए मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाली हूँ जो कि महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए, उन सभी हुनरबाज व्यक्तियों के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक ऐसी अनूठी पहल उन्होंने शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक जरिया शुरू किया है। और यह पहल दिन प्रतिदिन अपनी प्रगतिशील है और जिसके तहत आज मंदसौर जिले के गरुड़ तहसील अंतर्गत आने वाले गांव खड़ावदा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत सभी हुनरबाज महिलाएं जो कि आज प्रशिक्षित हुई हैं ब्यूटी पार्लर के कोर्स से, जो कि सर के द्वारा ही, संस्था के द्वारा ही कोर्स किया कराया गया था छात्राओं को, जिन्होंने आज इस कोर्स को पूरा किया है और उन्हें माननीय विधायक जी द्वारा प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया है। तो हम डीसी वर्मा सर से पूछना चाहेंगे, ये जो शुरुआत आपने पहल की है ये कब से शुरू की है? मैं सबसे पहले तो आपके, आपकी टीम को और एनआईडीएस के सेंटर डायरेक्टर और स्टूडेंट को, सभी को जय हिंद, सत्यमेव जयते और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ये मंदसौर जिले के खड़ावदा गांव में जो किरण जी मैम
और उनके सपोर्टेबल फैमिली, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमने NIDS फाउंडेशन के तहत महिलाओं को, लड़कियों को 45 दिन की क्लासें ऑर्गेनाइज की है, और इसमें हम स्किल डेवलपमेंट के तहत एक डेवलप कर रहे हैं। और इसमें हमारा मिशन है कि जो पढ़ी लिखी है, जो कम पढ़ी लिखी है, उन महिलाओं को इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक घर पर रह के स्वयं का जो भी आत्मनिर्भर बनती हैं, तो इससे ये होता है कि किसी ने भी अपना प्रशिक्षण पाने के बाद कोई रोज़गार शुरू किया तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी बच्चे की ट्यूशन की फीस की दो पैसा अर्न हो जाए, हमारा मकसद ये है। और इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज ये हमारे नॉट ओनली राजस्थान बट ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया में हमारे 391 सेंटर्स रनिंग में हैं, और इसके लिए सभी का बहुत बहुत सक्रिय प्रभाव रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि इतनी सराहनीय पहल है जिसकी वजह से महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, तो आपने क्या सोचा, आपने मन में क्या विचार किया कि आपको इस तरीके का अनूठी पहल करनी चाहिए जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके? मैं इसके लिए थोड़ा अपने व्यक्तिगत फैमिली पे, मेरी जो रोल मॉडल है वो मेरी मम्मी है, और इसके तहत है कि मेरे एक क्या है कि जो मेरे पिताजी थे वो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, तो मेरी मम्मी ने किस तरह से मुझे मेहनत करके किसी के बर्तन तक माँज के मुझे एजुकेट किया। काश अगर इस तरह का हुनर होता तो और सपोर्टेबल फैमिली में, तो मैंने अपने दुख के साथ ऐसी बहुत सारी महिलाएँ जो कहीं छोटे निम्न स्तर से अपना इस तरह के बड़े बड़े सपने उनको पूरे नहीं हो पाते हैं, मैंने एक प्रशिक्षण के दौरान ये किया और आज लगभग 11-12 हज़ार महिलाओं को कहीं ना कहीं सराहनीय कार्य के लिए आपकी मम्मी, आपकी माता श्री इसमें प्रेरणादायक रही हैं। हाँ, प्रेरणादायक रही हैं बिल्कुल मेरे पेरेंट्स। किन किन क्षेत्रों में संस्था द्वारा ये कार्य किया गया है? ये भारत में अपने जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अपने प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हैं। जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, आपको ये जानना चाहते हैं कि इस संस्था से जुड़ने के लिए वो प्रारंभिक रूप से क्या करें? इस संस्था से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो उनके अंदर एक इंसानियत हो और एक समाज सेवा का जो मन में एक उत्साह हो, और दूसरा ये है कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो आर्थिक सपोर्ट भी मिलता है तो वो एक उनका खुद का पार्लर होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए या प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा रोज़गार का जरिया है। ब्यूटी पार्लर के अतिरिक्त तो और कौन से कोर्स हैं जो कि छात्राओं को या फिर उन सभी महिलाओं को सिखाए जा रहे हैं? अभी ब्यूटी पार्लर के अलावा सिलाई, मेहंदी, स्किल डेवलप, वोकेशनल तो है ही सही, इसी के साथ हम इंग्लिश स्पोकन और कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज, उसके NTT जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ये भी हम प्रोसेस में हैं। जो उसमें थोड़ा सा ये है कि हम जो रूरल एरिया है वहाँ पे हमें इस तरह के रनिंग, अर्बन एरिया में हमारी ये क्लासेस चलती है, जैसे इंग्लिश स्पोकन 3 मंथ का कोर्स है, कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स है वो करवाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के इस कार्यक्रम में गरोड़ तहसील अंतर्गत आने वाले गांव खड़ावदा में गरोड़ भानपुरा क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ एवं नव भारत विकास महिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालक DC वर्मा की विशेष उपस्थिति में ब्यूटी पार्लर कोर्स प्रशिक्षित बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। विधायक धाकड़ एवं NIDS संचालक वर्मा के आगमन पर प्रवेश द्वार पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक धाकड़ द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में विधायक देवीलाल धाकड़, NIDS MD DC वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश पंडा, जिला भाजपा कार्यकारिणी सदस्य कैलाश फरकिया, जनपद सदस्य बजरंग धाकड़, जनपद प्रतिनिधि सीताराम चारण एवं मंडल उपाध्यक्ष मंचासीन रहे। खड़ावदा में NIDS द्वारा संचालित श्रृंगार ब्यूटी पार्लर संचालिका किरण जोशी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा लगभग 200 से ज्यादा बालिकाओं को इस कोर्स से प्रशिक्षित कर चुकी है और आज लगभग 30 से 40 प्रशिक्षित बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इस संस्था के माध्यम से आगे भी मैं अन्य महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रयासरत हूँ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक देवीलाल धाकड़ ने भी NIDS MD DC वर्मा के इस कार्य की सराहना की। अब हम जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक। श्रृंगार ब्यूटी पार्लर की जो संचालिका हैं मैडम किरण जोशी जी, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अब तक कितनी बालिकाओं को प्रशिक्षित किया है इस कोर्स से।
इस कोर्स से अभी तक मैंने कम से कम 30-35 लड़कियों को, इससे पहले भी मैंने 150 से कम 200 लड़कियों को मैंने प्रशिक्षित किया है। और ये सर की बहुत अच्छी पहल है कि वो ऐसी संस्था से जुड़े हैं और सबको ये एक दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों को मिलता है, अगर जो मतलब अर्न नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इसमें देखते हैं कि वैसे नॉर्मली अगर पार्लर सीखने जाते हैं 40-50 हज़ार रुपये लगते हैं, अगर जो मान लो कार्यकर्ता महिलाएं जो खुद हैं अपने को आपको करना चाहती हैं तो वो इसमें 1000 रुपये में खुद मतलब कर सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं। बहुत अच्छा सर का धन्यवाद है कि डीसी सर का, कि डीसी सर ने ये बीड़ा उठाया है और सभी महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा किया है और रोजगार से सम्मानित किया है। और आज डीसी सर ने और विधायक सर आए थे तो उन्होंने आज बालिकाओं को प्रमाण पत्र भी दिए हैं जो प्रशिक्षित हुई उन बालिकाओं को, और जिन्होंने अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं बालिकाओं ने, उन बालिकाओं को मेडल से भी सम्मानित किया है सर ने। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम श्रद्धा रत्ना हूँ, देतली से। आज जो विधायक जी द्वारा आपको कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेट वितरण किए गए हैं, आपने कितने दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? हमने 45 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसमें मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है और हम अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डेली बहुत अच्छा व्यवहार था आंटी जी का और मैम ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और अभी भी बहुत अच्छे रहते हैं और आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमें बहुत अच्छा लगा है। इससे मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और आज जो विधायक जी आए हैं, आप सब जो सम्मिलित हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, अभी आप और आपकी जैसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी इस संस्था से जुड़ने के लिए? इस संस्था से जुड़ने के लिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप सभी भी इसमें भाग लें और सभी सीखें ताकि सब अपने पैरों पर खड़े हो सके और सब अपना अपना खुद कुछ कारोबार कर सके और आगे निकल सके। नव भारत विकास महिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान की ओर से जो आज ये कार्यक्रम खड़ाउदा में आयोजित किया गया है, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे क्षेत्रीय विधायक देवीलाल जी धाकड़ भी उपस्थित रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस पहल के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं जो कि इस संस्था के जरिए की जा रही है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल जो शुरुआत की गई है। न्यू इंडिया डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था। मैं इसके पूर्व भी इस सोसाइटी द्वारा आयोजित दो कार्यक्रमों में शरीक हुआ हूँ। कई बहनों को ये अपने पाँव पर खड़ी करने के लिए रोजगार के रूप में और ये प्रशिक्षण देते हैं, ये सराहनीय है और इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे हमारी सरकार सशक्तिकरण के नाम पर बहुत बड़ा काम करती है महिलाओं के क्षेत्र में और इसलिए ये जितना भी महिला सशक्तिकरण के रूप में, महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के रूप में और शासन कई प्रकार के स्वसहायता समूह भी महिलाओं के और जिनको प्रोत्साहन दिया, सरकार ने आर्थिक सहायता भी दी है। हमारे यहाँ एक भानपुरा में तो एक गेहूं का उपार्जन केंद्र महिला स्वसहायता समूह ने चलाया और उन्होंने काफ़ी अच्छी आर्थिक उन्नति की है और इसलिए अपने पांव पर महिलाएं खड़ी हो, समाज में और देश का नेतृत्व करें, इस प्रकार की हमारी भावना है। मैं इस अवसर पर उनको धन्यवाद देता हूं। जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इस पहल से कैसे जुड़ करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके? वो भी सीखें, बेटियों को प्रोत्साहित करें कि वो अपने पाँव पर खड़ी हों और उनको प्रोत्साहन देने चाहिए उनको, ताकि वो अपने परिवारों में और सहयोगी बने। कार्यक्रम में NIDS संचालक DC वर्मा द्वारा संस्कार दर्शन गरुड़ टीम की न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल एवं यामिनी तिवारी का भी पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। इस दौरान ब्यूटी पार्लर कोर्स प्रशिक्षित छात्राएं तथा उनके अभिभावक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।